नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधु स्वागत करता हूं। भारतीय पुरातन संस्कृति को जानने के लिए हर किसी के मन में हमेशा ही उत्सुकता बनी रहती है। भारतीय नहीं, विदेशी भी संस्कृति को पास से देखने व समझने में उत्सुक रहे हैं। भारत के कोने कोने में सदियों से अद्भुत मंदिर बने हुए हैं। विदेश में भी देवों के देव महादेव भगवान शिव के ऐसे मंदिर हैं जहां पर भारतीयों की तुलना में विदेशी अधिक नमन करने आते हैं। यह मंदिर उन देशों के पर्यटन का भी बड़ा केंद्र बने हुए हैं। आइए आपको विदेश में भगवान शंकर के बने भव्य मंदिरों के बारे में जानकारी देते हैं। भगवान शिव के आंसू से बना पाकिस्तान के कटास राज मंदिर का कुंड, पाकिस्तान के चकवाल गांव से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित कटास में एक पहाड़ी पर कटास राज का प्राचीन मंदिर स्थापित है। यह मंदिर महाभारत काल में भी था। मान्यता के अनुसार कटास राज मंदिर का कुंड भगवान शिव के आंसुओं से बना है। इस कुंड के निर्माण के पीछे एक कथा है। देवी सती की मृत्यु हो गई थी, तब भगवान शिव की आंखों से दो आंसू निकले। इन आंसुओं से दो कुंड बन गए, जिनमें से एक कुंड राजस्थान के पुष्कर नामक तीर्थ पर है और दूसरा यहाँ कटासराज मंदिर में बना। नेपाल में स्थित है पशुपति नाथ मंदिर। नेपाल के काठमांडू में स्थित भगवान श्री पशुपति नाथ के मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में किया गया था। दीमक के कारण मंदिर को भारी क्षति हुई। इसके बाद 17वीं सदी में इसका पुनर्निर्माण किया गया। इस मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति तक पहुंचने के लिए चार दरवाजे बने हुए हैं। वे चारों दरवाजे चांदी के हैं। इस मंदिर में हिंदू और नेपाली वास्तुकला के दर्शन होते हैं। श्रीलंका में स्थित है प्राचीन मुनेश्वरम मंदिर। मुनेश्वरम मंदिर के इतिहास को रामायण काल से जुड़ा माना जाता है। मान्यता के अनुसार रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम ने इसी जगह पर भगवान शिव की आराधना की थी। इस मंदिर परिसर में कुल 5 मंदिर स्थापित हैं। इन 5 मंदिरों में से भगवान शिव का मंदिर ही सबसे भव्य है। 10वीं शताब्दी में बना था प्रमानन मंदिर। इंडोनेशिया के जावा में 10वीं शताब्दी में प्रमानन मंदिर का निर्माण किया गया था। यह मंदिर शहर से करीब 17 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस मंदिर में देवी देवताओं की प्रतिमाएं प्राण प्रतिष्ठित हैं। मलेशिया में 3,00,000 मोतियों से सजा है मंदिर का गर्भगृह। मलेशिया के जोहोर ब्रू में स्थित श्री राजा कलियम्मन मंदिर का निर्माण 1922 में किया गया था। यह इस क्षेत्र के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। मंदिर की भूमि को जोहोर ब्रू के सुल्तान ने भारतीयों को भेंट स्वरूप दिया था। मंदिर के गर्भगृह में 3,00,000 बहुमूल्य मोतियों को दीवारों पर सजावट के तौर पर चिपकाया गया है। 4,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में स्थित है एम्स्टर्डम का शिवा हिंदू मंदिर। एम्स्टर्डम के जुई दो स्थित शिवा हिंदू मंदिर लगभग 4,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस भव्य मंदिर में भगवान शिव के संग भगवान श्री गणेश, देवी दुर्गा, भगवान हनुमान की भी पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ पर भगवान शिव पंचमुखी शिवलिंग के रूप में विद्यमान हैं। स्विट्जरलैंड में नटराज स्वरूप में विराजमान हैं भोलेनाथ। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख स्थित शिवा टेम्पल में भगवान शिव नटराज स्वरूप में विराजमान हैं। इस मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग के पास माता पार्वती की शक्ति के रूप में मूर्तियां स्थापित हैं। ऑस्ट्रेलिया स्थित शिवा विष्णु मंदिर। भारतीय देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा का प्रमाण इस बात से मिलता है कि ऑस्ट्रेलिया स्थित मेलबोर्न में भगवान शिव और विष्णु को समर्पित शिवा विष्णु मंदिर का निर्माण वर्ष 1987 में किया गया था। मंदिर का उद्घाटन कांचीपुरम और श्रीलंका से 10 पुजारियों ने पूरे विधि विधान से पूजा करके किया था। इस मंदिर की वास्तुकला में हिंदू और ऑस्ट्रेलियाई परंपराओं का समावेश दिखता है। मंदिर में कई अन्य देवी देवताओं की भी प्रतिमाएं स्थापित हैं। न्यूजीलैंड में भगवान शिव नवदेश्वर शिवलिंग के रूप में है विराजमान। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड स्थित शिवा मंदिर का निर्माण आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी शिवेंद्र महाराज और यज्ञ बाबा के मार्गदर्शन में हिंदू शास्त्रों के अनुसार किया गया था। इस मंदिर में भगवान शिव नवदेश्वर शिवलिंग के रूप में हैं। तमिलनाडु सरकार ने दान में दी थी कैलिफोर्निया मंदिर में प्रतिमाएं। कैलिफोर्निया के लिवेर मोरे स्थित शिवा विष्णु मंदिर में स्थापित मूर्तियां तमिलनाडु सरकार ने दान में दी थी। यह इस क्षेत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। वास्तुकला की दृष्टि से यह मंदिर उत्तर भारत और दक्षिण भारत की कला का सुंदर मिश्रण है। मंदिर में महादेव के अलावा भगवान श्री गणेश, देवी दुर्गा, भगवान अयप्पा, देवी लक्ष्मी के भी मंदिर हैं। मंदिर की अधिकांश मूर्तियाँ 1985 में तमिलनाडु सरकार द्वारा दान दी गई थी।
तो दोस्तों ये थी विभिन्न देशों में बने भगवान शिव के भव्य मंदिरों से जुड़ी जानकारी। ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।